भीमा कोरेगांव मामले में पांचों सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पांचों सामाजिक कार्यकर्ताओं की हाउस अरेस्ट को 12 सितंबर के लिए बढ़ा दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को ही होगी। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई पुणे पुलिस को। मैम, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होल्ड कर रहे हैं, खासतौर से ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि हमने मामला कैसे उठाया। जी बिल्कुल, ये बहुत अवमानना है कोर्ट की। और ये क्या दिखा रहा है कि पुणे पुलिस पहले सिर्फ एक्टिविस्ट के ऊपर उन्होंने जाल बिछाकर नहीं फंसा रहे, पर अब उनको लग रहा है कि कोई सवाल कैसे उठा रहा है। इस देश में अगर रूल ऑफ लॉ है, इस देश में अगर रूल ऑफ लॉ को चलना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ही उसके दायरे हमेशा तय करने होते हैं। और इस तरह अगर पुलिस को छूट दे दी जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पर आवाज़ उठा सके, तो बिल्कुल सबके राइट्स पर डावाडोल हो सकते हैं। हाउस अरेस्ट जो एक्सटेंड कर दिया गया 12 तारीख तक, यानी कि पुलिस पुणे पुलिस की हिरासत में नहीं है, एक तरीके से अपने घर में वो अरेस्ट में हैं। लेकिन पुणे पुलिस का कहना है कि जब तक अपने हमारे गिरफ्त से बाहर हैं तो वो टेंपर कर रहे हैं एविडेंस के साथ। देखिए, मुझे लगता है पुणे पुलिस को थोड़ा सा फैक्ट्स पे आना होगा। मैं सुधा भारद्वाज की एडवोकेट हूँ। उनके घर के अंदर 3 से 5 पुलिस वुमेन कॉन्स्टेंटली रहती हैं। छोटा घर है। मैं उनसे एज अ लॉयर मिलने जाती हूँ, मुझे इजाज़त है। मैं कभी भी उनसे बात बिना 2 पुलिस वालों की प्रेजेंस से नहीं करती। वो हर समय पुलिस वाले उनके साथ रहते हैं। तो ये कहना कि वो टेम्पर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये केवल बातों को उछालना है। अच्छा होगा अगर पुलिस कानून, सबूत और फैक्ट्स के दायरे में अपनी बात को रखे। ये सब है हमारे पास, हम दिखा सकते हैं। अगर कोर्ट ने मांगा, ये महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है, प्रूफ उनके पास है, वो कह रहे हैं। क्या प्रूफ है कि हम वो टेम्पर कर रहे हैं? उनको बोलिए कोर्ट में रख दे, मीडिया में मत फेंके। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के। जैसे वृंदा गोवा बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई पुणे पुलिस महाराष्ट्र पुलिस की, कहा कि आपका कोई काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना, खासतौर से जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है। और वहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने खुद स्वयं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी पुणे पुलिस के द्वारा, जिसमें उनको लगा कि एक तरीके से कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, पुणे पुलिस नहीं करेगी। यही सुप्रीम कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पूरे मामले की सुनवाई 12 तारीख को रखी है, 12 सितंबर को, और तब तक हाउस अरेस्ट जो है 5 एक्टिविस्ट का वो जारी रहेगा, वो अपने घर के अंदर ही गिरफ्त में रहेंगे। लेकिन पुणे पुलिस उनका इंटरोगेशन वगैरह नहीं कर सकती तब तक जब तक अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।